गाइस चलते हैं अभी अंदर दर्शन करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। तो आज है संडे, तो आज हम जाने वाले हैं प्रसिद्ध उमिया माता जी का मंदिर सिद्धसर, जो कि उपलेट ऐसे है सिर्फ 30 किलोमीटर्स। तो अभी बजे सुबह के 8 और मैं रेडी हो चुका हूँ, तो चलते हैं अभी उमिया माता जी मंदिर सिद्धसर और दर्शन करते हैं माता जी का। तो गाड़ी मेरी यहाँ पर पीछे है, तो चलते हैं अभी मंदिर। तो यह है अपनी बाइक, तो आज मैं लेके जाने वाला हूँ इस बाइक को। ये जुपिटर द्वारा लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जुपिटर में इतना एवरेज नहीं मिलता है, तो ये अपनी गाड़ी सही है। तो चलते हैं अभी, लेट्स गो। तो ये कुछ आ गया है उमिया धाम सिद्धसर मंदिर का मेन एंट्री गेट। चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं माता जी का, और इस जगह के बारे में और इस स्थान के बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज और संपूर्ण इतिहास आपको बताऊंगा। तो पास में ही नदी है, पहले यहाँ पे जो आगे गाड़ी का पार्किंग है वहाँ पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। ओके, तो ये कुछ आ गया है सामने पार्किंग। तो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उमिया धाम सिद्धसर, और गाड़ी मैंने यहाँ पे पीछे पार्क कर दी है। तो चलते हैं पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं अभी अंदर दर्शन करने के लिए, और जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है वहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी मंदिर के अंदर प्रसाद के लिए, और अलग अलग माता जी की मूर्तियाँ भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये है मेन एंट्री गेट, शक्ति द्वार। तो अंदर हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे तो शूटिंग अलाउड है, आप आराम से कहीं भी शूटिंग कर सकते हो, इतनी कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है। तो ऐसा होता है तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको हम दिखा पाते हैं पूरा मंदिर, और पूरे मंदिर का टूर आपको दे पाते हैं। तो ये कुछ है सामने मेन मंदिर, तो ये कुछ है सामने मेन मंदिर। तो अंदर चलते हैं, और अंदर चलते पहले मैं आपको उमिया माता जी के और महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद हम पूरे मंदिर का जो टूर लेंगे छोटा सा। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9, और धीरे धीरे जो धूप है वो बढ़ रही है। तो पहले जूते हम यहाँ पे रख देते हैं, और तो चलते हैं अंदर। जय उमिया माता जी महादेव हर। एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जय उमिया माता जी जय महादेव हर। तो पहुंच चुके हैं हम मंदिर के अंदर, तो यहाँ इधर तक अंदर तक शूटिंग अलाउड है, तो काफ़ी अच्छा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो आप दर्शन कर सकते हो उमिया माता जी के, आप दर्शन कर सकते हो गाइस। तो ये कुछ आप दर्शन कर सकते हो। चांदी के सिंहासन में माता जी का भव्य मंदिर, और यहाँ पे गणपति जी, और इस साइड आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हो। तो ये कुछ है मेन मंदिर, और जैसे ही आप मंदिर के एग्जिट पास में यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये महादेव जी का मंदिर है। तो दर्शन करते हैं। तो ये कुछ है
महादेव मंदिर, तो आप महादेव जी की दर्शन कर सकते हो गाइस। और ये पूरा मंदिर, तो गाइस माता जी का और महादेव जी का दर्शन करने के बाद हम चलते हैं नीचे, और नीचे जाके मैं आपको पूरे मंदिर की टूर दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा चाहता हूँ। तो जो सामने आप देख रहे हो जो बड़ा बड़ी सी बिल्डिंग, वह भोजनालय है। तो यहाँ पे सभी यात्रियों को जो भी यहाँ पे आते हैं उसको फ्री में प्रसाद मिलता है। तो सामने ये भोजनालय, ये एग्जैक्ट मंदिर है। मंदिर से आप बाहर जाओगे तो पीछे रास्ता है, और आई थिंक इधर से भी एक रास्ता है, तो आप जाके फिर पीछे भोजनालय वहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर आपको फ्री में प्रसाद मिलेगा, प्रसाद का कोई भी चार्ज नहीं है गाइस, तो काफ़ी बढ़िया है। तो देखो यहाँ से भी एक सामने गेट है, इधर से भी आप होकर जा सकते हो। सामने ये बड़ा सा जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पर है भोजनालय, और सामने है दिखा देता हूँ, रुकिए आप, सामने है मंदिर की मेन ऑफिस है। तो वहाँ पर जाके आप ऑफिस का कोई भी काम हो तो वहाँ पे आप जा सकते हो गाइस। तो चलते हैं फिर से नीचे, और नीचे से चल के आपको और भी है मंदिर का जो पार्ट्स है उसके दर्शन करवाता हूँ, एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो चलते हैं नीचे। तो सामने जो आप ये देख रहे हो, ये मंदिर का उतारा है, यानी कि सभी यात्राओं जो भी यात्रा यहाँ पे आते हैं तो उसके लिए उतारा व्यवस्था भी अवेलेबल है। तो सामने ये पूरे रूम्स है अलग अलग, तो यहाँ पे आपको रहने के लिए आराम से जगह मिल जाएगी। तो ये पीछे उतारे है, और इस साइड आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ देखने को लिए है। जितने भी उमिया धाम है, यानी कि उमिया माता जी का मंदिर है, उसके सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई थिंक गुजरात में जितने भी है सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक एक करके करके आपको मैं बताता हूँ। तो पहले ये देख लीजिए, ये ज्योतिर्लिंग है पूरी। ये ज्योतिर्लिंग के नाम यहाँ पर लिखे हुए, त्र्यंबकेश्वर, ध्रुमेश्वर, नागेश्वर, काशीश्वरनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, सिमलेश्वर, वेदनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, ये कुछ ज्योतिर्लिंग के नाम थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये पूरे जितने भी उमिया धाम गुजरात में है सभी के यहाँ पे गांव के नाम लिखे हुए हैं। देखो, ये उमिया माता जी मंदिर कच्छ का है ये, और ये उमिया माता जी मंदिर लिलिया मोटा, और ये उमिया माता जी मंदिर उंझा, और ये मंदिर गाठीला का है, ये उमिया माता जी मंदिर गाठीला, और ये सिद्धसर का मंदिर। तो जितने भी उमिया धाम है वहाँ सभी के यहाँ पे आपको अलग अलग मूर्तियाँ आपको दर्शन करने को मिलेगी। और ये श्री अन्नपूर्णा माँ और महादेव जी, यह बहुचर माता जी के आप दर्शन कर सकते हो, संतोषी माता जी के दर्शन कर सकते हो, श्री खोड़ियार माता जी के दर्शन कर सकते हो, श्री रामदल माता जी के दर्शन कर सकते हो, श्री चामुंडा माता जी के दर्शन कर सकते हो, श्री सरस्वती माता जी के दर्शन कर सकते हो, श्री लक्ष्मी माता जी के दर्शन कर सकते हो, श्री गायत्री माता जी के दर्शन कर सकते हो गाइस, दुर्गा माता जी, महाकाली माता जी और आशापुरा माता जी के आप दर्शन कर सकते हो। तो ये कुछ है, आप देख लीजिए गाइस, एग्जैक्ट ये मंदिर है, और ये मंदिर के पीछे ही आपको ये कुछ देखने को मिलेगा। तो इधर से होते ही हम बाहर निकल जाते हैं, तो एग्जैक्ट मंदिर के सामने ही ये नदी जा रही है। तो क्या नदी का नाम है वो वहाँ जाके आपको बताऊंगा मैं। तो ये कुछ मंदिर है, और ये मंदिर के एग्जैक्ट पीछे हम चलते हैं। और हाँ जी गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जय माता जी तो जरूर लिखिएगा गाइस। तो चलते हैं अभी जो नदी है उसके पास, और नदी के एग्जैक्ट पास में आप देख सकते हो यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है। तो ये देखो, ये भी देख सकते हो,
और सामने कितनी सारी यहाँ पे अलग अलग बैठने के लिए जगह बनाई गई है। तो चलते हैं अभी मंदिर के पास। तो ये सामने आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो गाइस, बोट भी आई थिंक चालू होगी। यहाँ पे आप बोट को भी दिख रही होगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह है इसलिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आई थिंक 10 बजे तक ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता होता। तो ये देख लीजिए पूरी ये। और अगर आप आगे जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग घाट भी बनाए गए हैं नहाने के लिए यहाँ पे। तो चलते हैं और आगे आपको और भी दिखाता हूँ। तो ये कुछ नदी आप देख लीजिए गाइस, एग्जैक्ट ये सामने मंदिर है। ये मंदिर के सामने ही है, आप नदी का दर्शन कर सकते हो। और ये गार्डन भी आप देख सकते हो, काफ़ी से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फूल रखे हुए हैं। सामने यहाँ पे यज्ञ मंडप भी, आई थिंक ये सामने यज्ञ मंडप है, उसके भी आप दर्शन कर लीजिए गाइस। तो चलते हैं अभी और भी यहाँ पे जो पार्ट्स है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, मंदिर के पार्ट्स दर्शन करने के लिए। तो गाइस, तो सामने है प्रसाद घर और दानपेट कार्यालय, और इसके एग्जैक्ट पास में है पानी का परब। ये ऑफिस के एग्जैक्ट सामने पास में ही है, और सामने है पूरा मंदिर। तो चलते हैं बाहर और थोड़ा बाहर का आपको सीन दिखा देता हूँ मंदिर के बाहर का। तो जैसे आप मंदिर के बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको माता जी के मंदिर की मूर्तियाँ और सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देखो ये 3-4 दुकानें हैं जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, वहाँ पे ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और सामने फूड जोन भी है, तो वहाँ पर अभी आप नाश्ता कर सकते हो। तो आपको जो घाट यहाँ पे, वो घाट एक बार दिखा देता हूँ। ये सामने है जो 4 व्हील का पार्किंग है, जो घाट है आपको एक बार घाट दिखा देता हूँ। जैसे गंगा जी में जैसे घाट होते हैं, वैसे यहाँ पे सेम घाट बनाया गया है नहाने के लिए। तो गाइस, ये सामने आप देख सकते हो, वो जूम कर दिखा देता हूँ। सामने आप ये देख रहे हो, ये पूरा घाट बनाया है यहाँ पे नहाने के लिए। ये देख लीजिए गाइस, सामने वहाँ पे आगे आपको दिख रहा है, ये पूरा घाट है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को आप जरूर से शेयर कीजिएगा गाइस।